फीवर एफएम पर बॉलीवुड के किस्से, बॉलीवुड के किस्से सब हो रहे हैं तैयार फॉर वन एंड ओनली फाइटर मूवी मेरे यार। अगर आप बिल्कुल उनमें से हैं जो देखना चाहते हैं ऋतिक रोशन और दीपिका को एक साथ, तो तैयार हो जाइए क्योंकि इसी कहानी में ये दोनों एक साथ नजर आने वाले हैं। और साथ ही साथ कहा जा रहा है इसका ग्रैंड रिलीज होने वाला है रिपब्लिक डे में आने वाले साल पर। और इतना ही नहीं, इस मूवी की हो रही है एक स्टाइलिश गाने की शूट जिसे कंपोज किया है विशाल और शेखर ने और कोरियोग्राफ किया है बॉस्को सीजर ने। में बात आ रही है हमारे ये दोनों सितारे इसकी शूटिंग में हो चुके हैं काफी बिजी और इनकी केमिस्ट्री सच बता रही हूँ, दे बोथ आर गोइंग टू लुक फैंटास्टिक टुगेदर। इस 15 दिन के स्केड्यूल में हमें बहुत सारी बातें जितनी पता चलेंगी आपको बता दी जाएगी। और हाँ, ये बात सुनने में आ रही है कि इसी महीने दीपिका एंड ऑफ कोर्स ऋतिक करने वाले हैं इस गाने में शूट। यानी जवान के उस गाने के बाद जो टेम्परेचर बढ़ा था बिटवीन वन एंड ओनली द सिजलिंग परफॉर्मर दीपिका एंड शाहरुख, तो क्या दीपिका और ऋतिक उसको टक्कर दे पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जब बात आती है हमारे प्यारे से सुपर अमेजिंग ऋतिक की, तो यार उनके इतने सारे गाने हैं जो हर बार हमारा दिल जीत लेते हैं, चाहे हो घुंगरू या हो द सेम द मोस्ट अमेजिंग एक पल का जीना, ये तो है ही सबसे खास। पर फाइटर का इंतजार करेंगे आप और मैं जो रिलीज होने वाली है 2024 रिपब्लिक डे के अवसर पर। अब मुझे ये नहीं पता कि अगर आपने देखी या नहीं जाने जा यानी हमारे बेबो की OTT डेब्यू मूवी। यार मैं आपको बताऊं तो मुझे मूवी थोड़ी सी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी, बट इट डिड कीप ऑल द ऑडियंस वंडरिंग कि यार आखिर में होता क्या है। लेकिन जाने जा के बाद अब जो उड़ की खबर आ रही है वो ये है कि रोहित शेट्टी अजय देवगन की आने वाली सिंघम में आपको नजर आएंगी बेबो में बेबो वन एंड ओनली हम सब की चहेती बेबो करीना कपूर खान मेरी जान। और इसकी शूटिंग भी सुनने में बात आ रही है कि होने वाली है बहुत जल्द शुरू, तो तैयार हो जाइए क्योंकि करीना और अजय देवगन एक साथ आने वाले हैं 9 years के गैप के बाद। और मुझे कोई पूछे कि अजय देवगन करीना की कौन सी मूवी सबसे कमाल की थी, तो गोलमाल डेफिनेटली यस, बट माय फेवरेट डेफिनेटली हैज टू बी ओमकारा। पर सिंघम के लिए विशिंग दिस एंटायर स्टार कास्ट ऑल द वेरी बेस्ट। यार ये बात तो है, ड्रामा क्वीन की अगर बात की जाती है और एक ऐसे सितारे की बात की जाती है जो हर बार सुर्खियों में नजर आती है, शी हैज टू बी एवरीबॉडीज फेवरेट राखी सावंत। और इंटरेस्टिंगली ये बात सुनने में आ रही है कि राखी सावंत अपना बायोपिक यानी अपनी जर्नी को सबके सामने दिखाने वाली है। और तो और एक और खास बात ये भी सुनने में आई थी, जब ये अपने बायोपिक के बारे में जिक्र कर रही थी तो इन्होंने कहा कि इनके बायोपिक को जस्टिस कर सकती है ईदर आलिया भट्ट या विद्या बालन। अब आगे आगे देखिए होता है क्या, पर जितनी बातें मुझे पता चलेगी आपको यहीं पर मिलेंगी। तो राखी सावंत आपको ऑल द वेरी बेस्ट। फीवर एफएम पर बॉलीवुड के किस्से, बॉलीवुड के किस्से।